कनाडा 2024, इफ़ यू आर प्लान टू कम टू कनाडा 2024 मेन टेक में, सितंबर इनटेक में, या 2025 में भी, 2026 में भी आने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो कनाडा मत आना। इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आप लोन लोगे, सेविंग तोड़ोगे, अपने गहने लोन पे लगाओगे, मतलब जो भी अपने पैसे तोड़ बोड़ फोड़ के आओगे, अपने पे इन्वेस्ट करोगे, आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस वीडियो को 4 to 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दूँ, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ डेट इट इज़ रियली वर्थ मूविंग टू कैनेडा राइट नाउ। आना स्टडी वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, डेट मीन्स टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे, और वहाँ पे कन्वर्ट करना वर्क परमिट पे थ्रू LMI जॉब या बिजनेस वीज़ा पे आना, इज इट रियली वर्थ और नॉट। इफ़ यू कमिंग टू कैनेडा आफ्टर +2 या 12th क्लास के बाद, तो आई वुड से मत आओ। द रीज़न, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो, यू विल नॉट फेस द जो भी सिचुएशन जो चल रही है कनाडा में करंटली, और डिप्रेशन एंग्जाइटी एंड टेंशन यहाँ पे बहुत आम बात है। यू विल नॉट फाइंड अ जॉब, गेटिंग अ जॉब हेयर डजंट मैटर, किसी भी प्रोविंस में डजंट मैटर, किसी भी सिटी में हो, किसी भी टाउन में हो, गेटिंग अ जॉब हेयर, फाइंडिंग अ जॉब हेयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड से मत आओ इफ़ यू कमिंग आफ्टर 12th। अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हो और आपके पास, इवन इफ़ यू आर टेकिंग अ ग्रेजुएशन डिग्री ऑल्सो, उस पर भी आपको मैं मना करूँगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपको ये अफेक्ट करेगा जब आप PR के लिए फाइल करोगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, मास्टर डिग्री है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब आप आ सकते हो, बिल्कुल आओ, क्योंकि आपके पॉइंट्स बनेंगे। एंड मेक श्योर तभी आओ जब आपके पास स्किल्स होगे, स्किल्स जितने ज़्यादा होगे उतना आपके लिए बेटर, उतना ज़्यादा ऑप्शन, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। इवन यू कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव हेयर। डजेंट मैटर किसी भी प्रोविंस में, डजेंट मैटर किसी भी सिटी में हो, एंड मेक श्योर बी एक्सट्रोवर्ट। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, वन ऑफ द रीज़न है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड टॉक टू एवरीवन, डजेंट मैटर बंदा कहीं का भी हो। साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्टडी वीज़ा की जगह आप LMI पे आओ। द रीज़न, क्योंकि फ्रॉम द डे वन यू विल अर्न मनी। जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, विजिटर वीज़ा पे आते हो, अगर LMI के लिए अप्लाई करते हो अपनी होम कंट्री से भी, जब आप उसे वर्क परमिट पे कन्वर्ट करते हो, तो आप फ्रॉम द डे वन यू विल अर्न मनी। इसी के साथ में अगर मैं कंपैरिजन करूँ स्टडी वीज़ा को, आप स्टडी वीज़ा पे आओगे, आप 20-30 घंटे ही वर्क कर सकते हो, आपको जॉब मिले या ना मिले, आपके आवर्स आपको मिले या ना मिले, आपका टाइमिंग शिफ्ट मैच करे या ना करे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी क्लासेस से, वो बहुत मैटर करता है। अगर नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बात है आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, आप जॉब नहीं कर पाओगे, आप टाइम भी निकाल पाओगे, और आपको अपनी क्लास भी नहीं मिस करनी है, आपको एग्ज़ाम्स भी देने हैं, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्स में आपका बैक आती है, आप फेल हो जाते हो पेपर में, तो आपके 1000-2000 आराम से लगेंगे बैक को क्लियर करने में, आपको फिर से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर डिग्री, और इफ़ यू हैव मिनिमम टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आई वुड हाईली रिकमेंड यू LMI पे आओ, विजिटर वीज़ा पे आओ, टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, कन्वर्ट करो वर्क परमिट पे थ्रू इमिग्रेशन कंसल्टेंट। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आपको लगे कि मैं डिफरेंट पोर्टल्स पे अप्लाई कर लूँगा, जॉब्स पोर्टल पे, jobsbank.gcca, monster.ca, indeed.ca पे, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। LMI फ्री में नहीं मिलता, सिर्फ ज्ञान फ्री में मिलता है यहाँ पे यूट्यूब पे, इंस्टा पे। LMI के लिए आपको यू हैव टू पे, डजेंट मैटर किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, डजेंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, डजेंट मैटर किसी भी कंसल्टेंट से बात कर रहे हो, You have to pay for LMI, 99.9%, 0.1% if you are very lucky, और आपके कोई नोन कॉन्टैक्ट में है जो आपको हेल्प कर दे। गवर्नमेंट फीस डिफरेंट चीज़ है, बाकी LMI के अलावा आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और अभी जो उसका रेट चल रहा है अराउंड 20,000 से लेके 35,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैटेगरी, आपका नॉक कोड क्या है, आपकी आपको कितने पर आवर के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री कहाँ पे है, मतलब सब किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, चूज़ ऐसे प्रोविंस को करना जहाँ पे PR मिलना ईजी है, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप वर्क परमिट पे, LMI पे आ रहे हो। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़, कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है, तो यहाँ पे रेंट बहुत एक्सपेंसिव है, 3 to 4 times है, चाहे 1 BHK अपार्टमेंट लेते हो, कॉन्डो लेते हो, और आपको प्राइवेट रूम भी $450-500 का ही मिलेगा मिनिमम, और वो भी डिपेंड करता है कि किस प्रोविंस में हो, डिपेंड करता है किस सिटी में हो, या आपको शेयरिंग भी हो सकता है और प्राइवेट भी सकता है। अगर आप किसी टाउन में रह रहे हो, विलेज में रह रहे हो, तो ये प्राइवेट होगा, अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो तो ये शेयरिंग में होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू कमिंग टू कनाडा, आपने फाइल लगा दी है, एडमिशन आपने फॉर्म फीस आप कुछ पे कर दिए, आपने फीसें पे कर दी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, आपने एडमिशन फॉर्म भी ले लिया है,
और आपका अप्रूवल भी आ गया है. मेक श्योर यू शुड हैव आवर स्किल्स. इफ़ यू डोंट हैव, लर्न इट. क्योंकि यहाँ पे आप ही सोचोगे कि मैं कैनेडा में लर्न कर लूँगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. इट्स बेटर कि लर्न फ्रॉम योर होम कंट्री एंड इम्प्लीमेंट हेयर. अब बात करते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग. आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे ऑयल इंडस्ट्री में, नेचुरल गैस इंडस्ट्री में, आई टी इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट फील्ड में हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में हो, स्किल बेस्ड में हो, चाहे प्लम्बर, मैकेनिक या ऑटोमोबाइल्स में, मैकेनिक में, किसी भी एक्स बजट में, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत कम है, जॉब्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है. आप बहुत टैलेंटेड हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके पास लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, चांसेस ज़्यादा है. लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप इन इंडस्ट्रीज में नहीं आते हो, गेटिंग अ जॉब हेयर डजेंट मैटर. किसी भी जगह पर रहते हो, चाहे वो कैलगरी में हो, वैंकूवर में हो, विक्टोरिया में, ओटवा, हेमलंडन, हैमिल्टन, ब्रैम्पटन, मिसागा, टोरंटो, किसी भी जगह में, किसी भी सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब हेयर. वेरी डिफिकल्ट. इफ़ यू हैव रेफरेंस कॉन्टैक्ट, दैट्स गुड. इफ़ यू हैव लाइसेंस सर्टिफिकेट, आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, आप अपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो. इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और जॉब नहीं मिलेगी आपको PR में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा. और गेटिंग अ PR हेयर इज इन द करंट सिचुएशन 2026-27 तक, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई वुड हाईली रिकमेंड यू चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली. किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, या LMI पे आ रहे हो, डायरेक्ट PR पे आ रहे हो, डायरेक्ट PR थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो गई, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, LMI पे आना चाहते हो, चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली. मैं इन प्रोविंस के नाम में रहा हूँ, इन्हीं को ही चूज़ करना था, सस्कैचवान, मैनिटोबा, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक. लेकिन और ये याद रखना, हर जगह आपको जॉब नहीं मिलेगी. LMI पे आ रहे हो तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको जॉब मिल जाएगी. अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो इन प्रोविंस में, बहुत अच्छी बात है, PR का पाथवे आपका ईजी हो जाएगा. बट मेक श्योर यू शुड हैव अ गुड क्वालिफिकेशन, और आपका एक्सपीरियंस अपना होना चाहिए आपकी होम कंट्री पर. आपके पास सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सब कुछ होना चाहिए, कि बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए जब आप फाइल करोगे PR के लिए. लेकिन यहाँ भी आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे अभी जॉब बेची जा रही है, बिकॉज एवरीबॉडी नोज सारे लोग ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस से यहाँ पे मूव हो रहे हैं. और एक ही रीज़न है, जॉब मिलने की, क्योंकि PR लेना है, और PR के लिए आपको एक्सपीरियंस शो करना होगा. आपको मिनिमम 35 आवर्स वर्क करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस, मिनिमम 30 आवर्स तो होती है. और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैटेगरी कौन सी, किस में आती है. नॉक ए, बी में, ओ में आती है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, सी डी में आती है तो कम पॉइंट्स मिलते हैं, टायर 3, टायर 4 में आती है, टायर 5 में आते हैं कम पॉइंट्स मिलते हैं. इट्स डिपेंड आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, बट जॉब बेची जाती है. और ट्राई टू वर्क विद डैट एम्प्लॉयर जिसका LMI अप्रूव्ड बिजनेस हो, जो आपको LMI का डॉक्यूमेंट भी देती है, जिससे आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बन जाए. LMI फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, दैट्स अ रियलिटी. और आपको लगे कि नहीं, मैं फ्री में मिल जाएगा, नहीं, टाइम वेस्ट करोगे, माथा मारोगे, कुछ नहीं मिलेगा. फ्री में सिर्फ ज्ञान ही मिलता है, यहाँ पे सिर्फ ज्ञान मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते यहाँ पे. पैसे के लिए, जॉब के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, कमाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, LMI के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे. हर चीज़ यहाँ पे डॉलर्स में बिकती है. तो यार देखो, सिंपल सा फंडा है, अगर आप कनाडा आना चाहते हो ना, मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम 2026 तक. बहुत सारे इशूज़ हैं, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, बट बहुत सारे रीजंस हैं. अगर आपकी हाईली क्वालिफिकेशन है, अपनी होम कंट्री में एक्सपीरियंस है, तभी आओ ना, कोई फ़ायदा नहीं आने का, माथा मारोगे यहाँ से इस प्रोविंस दूसरे प्रोविंस में, लोगों से बात करते रहोगे, ऑनलाइन सर्च करते रहोगे, 500 जगह अप्लाई करोगे, 2-3 जगह से सिर्फ रिवर्ट आएगा, वो भी आपको ना बोल देंगे. सारी आपको जॉब यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही मिलती है. और एक जॉब करने का तरीका, फाइंड आउट करने का तरीका ये भी है कि वॉक इन करो, और जिस जगह पे जा रहे हो ना, जिस सिटी में, जिस टाउन में, वहाँ पे गूगल पे सर्च करो कि कैसे कैसे स्टोर्स है, उनका नंबर निकालो और उनको डायरेक्टली कॉल करो या वॉक इन करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. या सीधा बात करो एम्प्लॉयर से, देसी एम्प्लॉयर से, कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को PR के लिए हेल्प चाहिए, और मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, तो मैं कर दूँगा हल्का फुल्का, मेरे को जॉब दे दे. ये कॉमन है, ये रियलिटी है, क्या कर सकते हैं, आपको PR चाहिए, अगर सेटल होना ही है. बाकी अगर आप होम कंट्री से आ रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो यार गलत है, मत ही आओ, फ़ायदा नहीं है. चूज़ सम अदर कंट्री लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं. देखो, आना है तो आओ, लेकिन बहुत कुछ सीख के आओ, स्किल्ड लेबर हो तभी आओ, ना धक्के खाते रहोगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और बहुत ही डिप्रेसिंग लाइफ है. सीरियसली कुछ नहीं यहाँ पे करने को, बस हर कोई दूसरे को चूतिया बना रहा है. इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओगे, उसे कंसल्टेंसी कंसल्ट करोगे, वो आपसे $150-200 लेगा,
वो बहन के पकोड़े ऐसे पैसे मांगते ऐसे ऐसे पता नहीं डॉक्टर की फीस मांग रही हो, मतलब बहुत महंगा है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। और यहाँ पे हेल्थ केयर, कोई कहे कि हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत सस्ता है, कुछ सस्ता नहीं है। हेल्थ कार्ड आपके पास होगा ना तो आपके लिए बेनिफिट है, और आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो आपके लगने वाले, आपके एल लग जाएंगे, बहुत महंगा है। और सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती इसके अंदर, ये सारी चीज़ें जो है ना, बता रहा हूँ आपको मैं, जिससे था रियलिटी, मैं आपको कोई मोटिवेट डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आना आओ नहीं आना ना आओ वो आपके ऊपर है, बट दिस इज द रियलिटी, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। बट इफ़ यू आर कमिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू कम, तो यू शुड नो कि ये चीज़ें होने वाली है, कोई आपके यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, नो वन विल हेल्प यू आउट। आपको सारी चीज़ें पर्सनल हो प्रोफेशनल हो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं मेरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मेरी सिटी से बिलोंग करते हैं, मेरे को हेल्प कर देगा, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, जिसको आप भाई बहन बोलते होगे, वो भी आपका भाई बहन बना के निकल जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी कमेंट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वॉन्ट अ मिनी सेशन वन टू वन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय एंड शुभ खैर।